Hey guys, this is Ankur, Kshitiz और आज एक कॉमन गर्ल का रिव्यू करने जा रहा है मूवी ड्रीम गर्ल की। वो हेमा मालिनी वाला नहीं, अपने आयुष्मान खुराना वाली। इसके डायरेक्टर है राज चांदेलिया, वही जो अपने कॉमेडी सर्कस के भी राइटर रह चुके हैं, तो इन्होंने तो नॉन कॉमेडियन से भी कॉमेडी करा दी, तो ये तो फिर भी अच्छे अच्छे एक्टर्स है। तो कॉमिक राइटर की मूवी है तो अच्छे अच्छे पंचेस, ह्यूमर्स और लाफ्टर तो रहेगा ही, तो इस मूवी में पंचेस और ह्यूमर्स कूट कूट के भरे हुए। क्रोशे का काम भी जानता हूँ, स्वेटर पर नाश्ता हूँ, मोर बना सकता हूँ, माँ बनने के अलावा कुछ भी कर सकता हूँ, एक बार ट्राई करके देखिए माँ बनने का जो आपका। तो मूवी का अगर होल सम अप लिया जाए तो मूवी फुल ऑन एंटरटेनर है विद अ स्मॉल मैसेज। तो जो मूवी सिर्फ सोशल मैसेज या इमोशनल मैसेज के लिए देखने जाते हैं, ये आपके लिए मूवी नहीं है। सब अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जाके देख सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे के साथ जाके नहीं देख सकते, क्योंकि मूवी तो मजेदार है तो थिएटर तो पूरा भरा हुआ होगा, तो कुछ करने का तो समझ रहे हो ना। इस मूवी की फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ अलग से बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरी मूवी ही मजेदार है, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ दोनों। मूवी के मेन लीड में आयुष्मान खुराना एज करमवीर सिंह, वो एक कॉल सेंटर में काम करते हैं एज पूजा, जो रात को सख्त लौंडो को पिघला सकती है। आयुष्मान खुराना के पास एक हिडन टैलेंट है कि वो लड़की की आवाज लड़की से मीठी निकाल सकता है, तो इसी टैलेंट के आधार पर उसे कॉल सेंटर में जॉब मिल जाती है। हेलो, मैं पूजा बोल रही हूँ, क्या हुआ, आवाज अच्छी नहीं लगी? लगी ना तो करना बातें। और स्पेशल अपीयरेंस में नुशरत बारूचा एज माही। अब नुशरत को इतना कम स्क्रीन टाइम मिला है कि उनका अपीयरेंस तो स्पेशल ही कहेंगे ना, मगर जितना भी उनको स्क्रीन टाइम मिला है उसमें उन्होंने अच्छी एक्टिंग की है। वो बेसिकली एक फेमिनिस्ट टाइप वाली लड़की है जो लड़कों को पिटवाती है, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिंपल लड़की है जो अपने आप को लड़कों जितना काबिल समझती है। उनसे ज्यादा स्क्रीन टाइम तो मंजोत सिंह से, मतलब मंजोत सिंह को मिल गया है। उनका कैरेक्टर का नाम है स्माइली, वो वही चट्टी पट्टी है जो आयुष्मान के साथ रहते हैं हर वक्त, और उन्हें ही बस ये पूजा वाली बात पता है। अन्नू कपूर ने कैरेक्टर प्ले किया जगजीत सिंह का, जो आयुष्मान के पापा हैं, और उनके और आयुष्मान के बीच में जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही एंटरटेनिंग है एज बाप बेटा, मतलब बहुत एंटरटेनिंग है, मजा आ जाएगा देखने में। गलत जगह पहुंच लेके डराया ना करो, डायरेक्टली नहीं बोल सकते क्या बेटा, पूजा तो करनी है। विजय राज ने कैरेक्टर प्ले किया हवलदार राजपाल का, इस मूवी में उन्होंने बहुत टाइम बाद कोई कॉमिक रोल किया जिसमें उन्होंने मचा दिया, बहुत सही एक्टिंग की है और उनकी कॉमेडी के तो हम सब दीवाने रहे हैं, तो ये भी पूजा के प्यार का शिकार रह चुके हैं। अभिषेक बैनर्जी वही अपने कंपाउंडर, इसमें उनका नाम महेंदर है, तो बेसिकली उनका कैरेक्टर एक बाल ब्रह्मचारी का है जो बाद में पूजा के प्यार में अपना सारा ब्रह्मचारी वाला कैरेक्टर भूल जाता है। राज भंसाली ने रोल प्ले किया टोटो का, जो एक बच्चा है मगर जवानी फूट रही है लौंडे के शरीर से, तो वो भी पूजा के प्यार में क्लीन बोल्ड हो जाता है। रोमा का कैरेक्टर प्ले किया निधि बिश्त ने, वही अपनी टीवीएफ वाली, तो बेसिकली उनका तीन ब्रेकअप हो गया रहता है, तो उसी का दर्द शेयर करते करते वो पूजा से प्यार करने लग जाती है। और सबने सपोर्टिंग कास्ट में बहुत अच्छी एक्टिंग की है, जैसे नुसरत की दादी का रोल जिसने प्ले किया नीला मुलहरकर, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कॉमिक सीन्स दिए और बहुत अच्छी अच्छी लाफ्टर्स दिए। क्या कर रही हो? बस पौधन में पानी डाली। तो अभी अपन बेसिक स्टोरी बताने वाले हैं मूवी की, एकदम बेसिक स्टोरी, अगर अगर आप लोग को बेसिक स्टोरी भी नहीं चाहिए तो निकल, पहली फुर्सत में निकल। तो मूवी की बेसिक स्टोरी यही है कि आयुष्मान खुराना के पापा रहते हैं, उनके सर पे बैंक का बहुत सारा लोन रहता है, तो उसे ही चुकता करने के लिए आयुष्मान खुराना कॉल सेंटर में जॉब करते हैं एस पूजा, जो सबका अकेलापन दूर करती है। उसी के बीच नुशरत से रोमांस और प्यार भी हो जाता है, और सबको पूजा से प्यार हो जाता है। पूजा से शादी करूंगा, प्यार करती हूँ मैं पूजा से, हम प्यार करते पूजा से, मेरे और पूजा के बीच कोई आया है ना तो काट के रख दूंगा। तो आयुष्मान उनसे पीछा छुड़ाने के लिए अलग अलग नुस्खे अपनाते हैं, मगर जैसे सबको पता है लास्ट में सच पता चल ही जाता है, और उसमें एक छोटा सा मैसेज भी मिलता है। अब मैं मैसेज भी बता दिया तो सब लोग बोलोगे स्पॉइलर स्पॉइलर, तो मैसेज नहीं बता रहे अपन, मूवी देखो जाके मजेदार है। एक चीज मूवी की जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो थे उसके पंचेस और ह्यूमर्स, जो हर थोड़े थोड़े देर में आते जा रहे थे, जिससे आपको कभी बोर नहीं फील होगा मूवी में, वो मुझे उसकी बहुत अच्छी बात लगी।
एक चीज मूवी की जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो थी नुसरत की स्क्रीन टाइमिंग। अब अपने को कुछ और चीज मिल नहीं रही थी बुरी बताने को तो यही बता दिया। हमारे पॉपकॉर्न बहुत महंगे थे यार, मतलब इतने महंगे थे कि अपने को थिएटर में भूखा बैठा रहना पड़ेगा। तो अपन ने पहले भी कहा इस बार भी कह रहे, वैसे तो अपने रेटिंग देने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं, मगर आप लोग तो जानते हो अपन देख के ही रहेंगे। तो अगर एक कॉमन लड़का इस मूवी को रेटिंग देगा तो वो देगा 3.5 स्टार्स। तो जैसे कि आप जान रहे हो ये मूवी आयुष्मान की, तो कॉन्सेप्ट तो अच्छा होना ही था। तो ये मूवी आप अपने वीकेंड्स के प्लान में इंक्लूड कर सकते हो, मस्ती करने के लिए, हंसने के लिए, बहुत मजेदार मूवी है। तो ये था मेरा रिव्यू मूवी ड्रीम गर्ल के लिए। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया या ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबा देना। अब अपन लोग मिलेंगे नेक्स्ट रिव्यू में, तब तक मजा करो। मेरे दिल को टेलीफोन है मजेदार रिंग रिंग रा रा।